एक मुझको तू कर नहीं जाता। लट उलझी सुलझा जा बालम, राग बिहाग का बहुत ही एक प्रसिद्ध छोटा ख्याल है, एक बहुत प्रसिद्ध बंदिश है ये, जो कि आप में से बहुत सारे संगीतकार, बहुत सारे संगीत विद्यार्थी चाहते थे कि मैं इस चैनल पर सिखाऊं। तो आज कोशिश करूंगा, पूरा वीडियो अगर आप देखते हैं तो उस बंदिश के शब्द और उसकी धुन आप सब तक पहुंचाने की, जैसी मैंने सीखी है अपने गुरुजी से वैसी। बड़ी ही प्रचलित बंदिश है ये, किताबों में आपको मिल जाएंगी इसकी स्वर संगतियाँ, इसकी स्वर लिपि भी। तो आज कोशिश करता हूँ उस बंदिश को सिखाने की, तो पूरा वीडियो देखिएगा और सीखिए लट उलझी सुलझा जा बालम। कोमल गंधार, योर रियाज पार्टनर, एक बेहतरीन एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन जिसके ज़रिए आप घर बैठे रियाज कर सकते हैं और बेहतरीन संगीत सीख सकते हैं। तो अभी डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बहुत ही प्रसिद्ध बंदिश, जो कि अभी अभी मैंने छोटी सी कोशिश करी गाने की, तबला संगत मेरी मास्टर बी के यानी भवेन खोखावत जी ने की है। तो आइए अब इसको सीखते हैं और इसके सबसे पहले तो मानी जानते हैं, इसके मीनिंग्स जानते हैं, इसके शब्द पर हम गौर करते हैं, फिर मैं आपको राग बिहाग का थोड़ा सा एक चलन जो है थोड़ी सी उसमें फिरत करके बताऊँगा, तो मालूम चलेगा कि राग बिहाग का स्वरूप क्या है। तो लट उलझी सुलझा जा बालम, इन शब्दों पे जाने से पहले मैं इस राग के बारे में थोड़ा बताता हूँ। हर राग में कोई ना कोई एक रस होता है, भाव होते हैं, क्योंकि मन से, जैसे कि आपने शब्द सुना होगा, राग जो शब्द है उसका मतलब ही प्रेम होता है। जैसे अनुराग, अनुराग का मतलब प्रेम होता है, उसी तरह से राग मतलब भी वो रंजक स्वर संगतियाँ जिनमें कोई ना कोई एक भाव होता है। तो हर राग का अपना एक इमोशन फिक्स है, जैसे कि आप देखते होंगे जब हम दुख की, विरह की बात करते हैं, गम की बात करते हैं, तो हम शिवरंजनी का प्रयोग करते हैं, हम भूपकली का प्रयोग करते हैं, और भी ऐसे कई राग हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरह से जब कभी शिव की आराधना की बात हुई है तब भी शिवरंजनी का प्रयोग हुआ है, राग भैरव का प्रयोग हुआ है, शंकरा का प्रयोग हुआ है,
उसी तरह हंस ध्वनि है, आपने देखा हो सरस्वती वंदना का कहीं जिक्र है तो हंस ध्वनि का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से कुछ रागे हैं जिनका कुछ भावों से तारतम्य बैठता है, उसी तरह से राग विहाग का श्रृंगार से जो है संबंध है। इसे श्रृंगार रस प्रधान राग कहा जाता है। तो आप इनके शब्दों में, इनके ख्यालों के शब्दों में आप ढूंढ पाएंगे, आप मालूम कर पाएंगे कि हाँ वाकई वो तासीर जो है मौजूद है। जैसे कि आप शब्द सुनिए, लट उलझी सुलझा जा बालम, हाथन मेहंदी लगी मोरे बालम। तो पिया बालम, एक पति पत्नी का, एक प्रेमी प्रेमिका का जो संवाद है इसमें आपको देखने को मिल रहा है कि एक प्रेमिका, या यूं कहें कि एक फीमेल जो है, वो अपने बालम के लिए, अपने बलम के लिए, अपने पति, अपने खासम के लिए जो है कह रही है कि लट उलझी, मेरी जो लटें हैं वो उलझ रही हैं, उन्हें आके तुम सुलझा जाओ, है ना। श्रृंगार की बात हुई है, ब्यूटी की बात हुई है, बड़ी खूबसूरत चीज़ है। हाथन मेहंदी लगी मोरे बालम, कि मेरे हाथों में तो मेहंदी लगी है तो मैं उनको सुलझा नहीं सकती, तो तुम आ जाओ और मेरी इसमें ज़रा सी मदद कर दो। तो वो एक उनका जो कुछ प्रेम है, कुछ दृश्य बन रहे हैं जो देखिएगा आप। माथे की बिंदिया गिर गई सेज पर, है ना, अपने हाथ सजा जा बालम, क्योंकि मेरे हाथों में तो मेहंदी लगी है तो सेज से उठा के वो बिंदी मेरे माथे पे तुम चमका दो, है ना, उसे तुम लगा दो, तो मेरा श्रृंगार तुम कर दो, है ना। तो वो एक जो कॉन्वर्जेशन वहाँ चल रही है। तो अब क्योंकि ये शब्द समझने बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उस गायकी में सिर्फ एक कॉम्पोजिशन ही रह जाएगी, रस तो फिर रहेगा ही नहीं अगर आपने ये शब्द नहीं समझे, तो वो गाने में आपको वो फील नहीं आएगा। तो खैर, ये तो हुए शब्द। अब राग की मैंने आपको क्योंकि तासीर बता दी, अब इसके चलन पे हम बात करते हैं कि स्वरूप कैसा रहता है। तो आरोह में आप देख पा रहे होंगे, तो मैंने थोड़ा सा आलाप किया था कैसा स्वरूप गया था इसका। जैसे कुछ रागें होती हैं वो षड्ज से शुरू होती हैं, कुछ रागें होती हैं निषाद से शुरू होती हैं, जैसे यमन है, जैसे कि बिहाग है, ये शुद्ध निषाद से शुरू होती हैं, ना कि षड्ज से। सा से नहीं शुरू होगी ये, इसका जो शुरुआत अगर हम करते हैं तो आपने देखा आरोहात्मक जो है स्वरों में ऋषभ और धैवत वर्जित गया है। नि स ग म प शुद्ध मध्यम लगाया, नि स ग म प नि ध प नि स ग म प नि सा, है ना। अवरोहात्मक में धैवत और ऋषभ दोनों लगाए, सा नि ध प ग म ग सा ग म ग रे सा, ऋषभ भी लगा है लेकिन मीण के स्वरूप में मैंने लगाया। अब कई लोग बिहाग में तीव्र मध्यम का प्रयोग करते हैं, कई लोग नहीं करते हैं, दोनों तरह से गाई जाती है। तो तीव्र मध्यम अल्प कैसे इसमें लग रहा है वो भी देखिए, नि स ग म प ग म प नि सा नि ध प म प ग म ग प म प ग म ग सा नि स ग म प, है ना, ये इसका स्वरूप जा रहा है। प म प ग म प नि सा नि ध प म प ग म ग सा ग म प नि नि सा 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 नि ठीक है। तो ये तो हुआ इसका जो स्वरूप हुआ। अब आते हैं शब्द पर, स्थाई पे। लट उलझी सुलझा जा बालम, तो जैसा कि बंदिश आपने देखा हमारी खाली से उठ रही थी, लट उलझी सुलझा, है ना। ऑफ बीट से अगर मैं इसे उठाऊं तो दसवीं से उठ रही है, वगरना अगर इसे बीट टू बीट गाए तो ये अपनी नवी से उठेगी। लट उलझी सुलझा जा बालमा, लट उलझी, अगर बीट टू बीट अगर इसे गाया जाए, एक एक स्वर पे एक एक शब्द गाया जाए जैसे कि किताबी कॉम्पोजिशन होती है, तो ऐसे जाएगी। मगर हम इसे थोड़ा आर्टिस्टिक वे में गाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि थोड़ा भाव आएगा, यानी लय के साथ खेलते हुए, थोड़े शब्दों के साथ उनकी बांट को बराबर गाते हुए, तब जाके वो रस आएगा, वरना बीट टू बीट में वो रस नहीं आएगा, है ना। तो बेसिक कॉम्पोजिशन, नि सा ग म प नि नि सा नि ध प ग म ग रे सा नि सा ग म प नि नि सा नि सा ग म प नि नि सा नि ध प ग म ग सा ग रे, ऋषभ लगाया है लेकिन स्पर्श किया है। लट उलझी सुलझा, झा पे सम है इसका, लट उलझी सुलझा जा बालमा।
अब एक और चीज़ बता दूँ, ये बंदिश मैं एक तरह से सिखा रहा हूँ, हो सकता है ये बंदिश की कॉम्पोजिशन थोड़ी बहुत अलग होकर आपने कहीं और सुनी हो, और हो सकता है इसकी बारीकियाँ जो है वो थोड़ी थोड़ी अलग मिलें आपको, हो सकता है मैं सिखा रहा हूँ उसमें कुछ संगतियाँ हो सकता है अलग हों, है ना। तो मैंने जिस ढंग से सीखी है मैं एक बार आपको वैसे ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, किताब में अलग ढंग से हो सकता है मिले, बाकी इसका जो खाका है जो ढांचा है वो यही है। फिर आते हैं हाथन मेहंदी लगी मोरे बालम, हाथन मेहंदी लगी, हाथन मेहंदी लगी, वही है। अगर मैं इसे ऑफ से उठाऊं दसवीं से तो ऐसे आएगा, वरना हाथन मेहंदी लगी, गी पे सम है अगर हम इसे नौ से ही उठाते हैं, लेकिन मैं एक मात्रा छोड़ के हाथन वहाँ थोड़ी सी एक हरकत लेके, वरना हाथन मेहंदी ला पागा मागर सानी, हाथन मेहंदी लगी मेहंदी नी सा पागा मागर सा। फिर इसी को अगर मैं थोड़ा लय के साथ खेल के गाऊं तो हाथन मेहंदी ला मध प ग म ग, तीव्र मध्यम का प मध प ग म ग नि सा प ग म ग रे नि सा। फिर अंतरा माथे की बिंदिया ग म प नि सा सा। अब इसे अगर बीट टू बीट गाऊं तो माथे की बिंदिया गिर गई सेज पर, है ना, ऐसे जाएगा। लेकिन इसे थोड़ा सा खेल के गाते हैं, एक बीट छोड़ के गाते हैं तो माथे की बिंदिया गिर गई सेज पर, माथे की बिंदिया, है ना, थोड़ा इसमें थोड़ा एक लोच आएगा, चलन आएगा। ग म प नि सा नि सा नि प प नि द नि सा नि प, हल्की सी आप देख रहे हैं छोटी छोटी हरकतें, छोटी छोटी मुर्गियां जा रही हैं। माथे की बिंदिया गिर गई गिर गई, अब यहाँ पे गिर गई ऐसे भी गाया जा सकता है, माथे की बिंदिया गिर गई निजा ने, लेकिन उसको थोड़ा सा वहाँ खूबसूरती देंगे तो नीरे साने गिर गई, है ना, हल्का सा रे भी स्पर्श में आया है और षड्ज पे भी हल्की सी मुर्गी है। माथे की बिंदिया गिर गई सेज पर प प नि द नि सा नि प, वहाँ हल्की सी कैसे हरकत है, सेज पर माथे की बिंदिया, ठीक है। फिर दूसरी लाइन तो स्थाई जैसी ही है, अपने हाथ नि सा ग म प सजा जा बाल म नि सा नि प म प ग म ग, है ना। तो ये इसकी बेसिक कॉम्पोजिशन है, खाका मैंने आपको दे दिया है। फिर इसको आप कैसे कैसे गा सकते हैं वो मैं आपको अभी थोड़ा सा गा के फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। शब्द आपने देख लिए, कॉम्पोजिशन आपने देख ली, अब देखते हैं इसे गाते कैसे हैं। इसमें जिसे कहते हैं हम गायकी, सिंगिंग स्टाइल, तो किस किस तरह से इसे गाया जा सकता है, मुखड़े को कैसे कैसे सजाया जा सकता है, मात्राएँ बदल के, उसकी बांट बदल के, स्थाई, अपना जो मुखड़ा है वो नौ मात्रा की जगह अगर मैं आठ में लूँ सात में लूँ तो कैसे आएगा, उसको देखते हैं उसकी खूबसूरती। आइए तबले के साथ तीन ताल में निबद्ध है ये बंदिश, बड़ी खूबसूरत। लट उलझी सुलझा जा बाल मा, लट उलझी सुलझा जा बाल मा, लट उलझी सुलझा जा बाल मा, लट उलझी लट उलझी। अब यहाँ कोशिश करें अगर शब्दों पे गौर करने की, तो उलझने की बात की गई है कि लट उलझी हुई है, तो अगर आपने लटों को देखा हो और उनकी उलझन को महसूस किया हो तो आप उसको घुमावदार स्वर संगतियों में पेश कर सकते हैं। लट उलझी सुलझा जा बाल मा, लट उलझी लट उलझी उलझी उलझी। ये उलझन मैंने दिखाई, कोशिश कर रहा हूँ छोटी छोटी चीजें बताऊंगा। फिर सम कैसे कैसे दिखा सकते हो, निजा ग म प लट उलझी सुलझा जा बाल मा, लट उलझी
सो ले जा बाल मालट ले जी 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 सो ले जा सानी दा बामा बगा मामा मगा मगा लट ले जी बाबा मामा बाबा का मामा मगा का सा सानी सा का मामा का मगा लट ले जी सो ले जा बाल मालट ले जी सो ले जा बाल मालट ले जी लट ले जी सेज पर माथे की बिंदिया गिर गई मगा मगा सा माथे की बिंदिया माथे की बिंदिया गिर गई माथे की बिंदिया माथे की बिंदिया गिर गई सेज पर अपने हाथ सजा जा बाल मालट ले जी सो ले जा बाल मालट ले जी लट ले जी लट ले जी सो ले जा बाल मां। इसी तरह देखते रहें संगीत प्रभा वर्ल्ड के चैनल को, कुछ न कुछ नया मैं लाता रहूंगा, कुछ न कुछ बंदिश, कुछ न कुछ पलटे, कुछ न कुछ अलंकार, कुछ न कुछ टॉपिक। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, ऐसे ही सब्सक्राइब करें।